हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से अर्सेनल और चेल्सिया के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैच। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए हैं, जिनमें से अर्सेनल ने 3 मैच विन किए और 1 मैच ड्रॉ भी खेला और 1 मैच इस टीम ने लॉस भी किया है। अटैकिंग वाइज अर्सेनल चेल्सिया के अगेंस्ट में 1.8 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। तो गाइस जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती है तो अटैकिंग वाइज दोनों टीमों की तरफ से गोल होते भी हैं, लेकिन डिफेंसिव वाइज दोनों टीमों की तरफ से गोल कंसीड भी किए जाते हैं। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो उस मैच को यहाँ से चेल्सिया 2-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज चेल्सिया का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने एक गोल कंसीड भी कर दिया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच और उस मैच को यहां से अर्सेनल 1-0 से विन कर गई विद क्लीन चिट के साथ। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन हुआ और उस मैच को भी यहां से अर्सेनल 3-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज अर्सेनल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने एक गोल कंसीड भी कर दिया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले अगेन इन दोनों टीमों के बीच मैच और उस मैच में यहां से अर्सेनल 2-1 से विन कर गई और चेल्सिया ने फिर से उस मैच में एक गोल कर दिया। तो गाइस चेल्सिया का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने सिर्फ एक गोल पर मैच करने का, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने गोल कंसीड कर देती है। लेकिन चेल्सिया फिलहाल के टाइम पर मतलब गोल कंसीड करने के लिए नहीं जान जाती, बल्कि अपना डिफेंसिव परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मैच हुए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज गोल होते भी हैं, लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड भी किए जाते हैं, और ज़्यादातर चांस यहाँ से अर्सेनल का ही होता है कि इस टीम के सामने विन करे। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो हल्का सा फेवरेट टीम अर्सेनल को भी मान सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम, लेकिन फिलहाल के टाइम पर अगर देखा जाए तो चेल्सिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज, तो ये टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। लेकिन गाइस बात करेंगे हम इन दोनों टीम जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अर्सेनल का जो रिसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम परफॉर्मेंस है। तो गाइस रिसेंटली 6 मैच खेला अर्सेनल, लेकिन एक ही मैच विन किया बल्कि एक मैच ड्रॉ भी खेला और 4 मैच इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर लॉस किए, और अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम ऐसा परफॉर्मेंस कर रही है फिलहाल के टाइम पर कि प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती, बल्कि कभी कभी एक गोल पर मैच कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में ये टीम गोल कहीं ना कहीं कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच अर्सेनल ब्रेंटफोर्ड के सामने 2-1 से मतलब 2-0 से लॉस करके आ रही है, और ब्रेंटफोर्ड जो कि इंग्लिश चैंपियनशिप लीग यानी सेकंड डिवीजन की टीम है, उस टीम के सामने ये टीम लॉस कर गई। तो आज तो वैसे भी चेल्सिया के अगेंस्ट में मैच है, क्या उसके सामने ये विन या लॉस कर पाए वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे फिर मुकाबले टोटेनहम के सामने ये टीम 1-0 से लॉस करेगी, क्योंकि टोटेनहम तो एक अच्छी टीम है, उसका जो न्यू कोच है वो काफ़ी डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर है मतलब कोच है, तो उस कंडीशन में इसको लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पिछले मुकाबले चेल्सिया के सामने ये टीम खेली और चेल्सिया के सामने ये टीम लॉस तो कर गई, लेकिन अटैकिंग वाइज चेल्सिया के सामने इस टीम ने एक गोल कर दिया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों मतलब उससे पिछले मुकाबले यहाँ से अर्सेनल 2-2 से मैच को ड्रॉ खेल कर आई, और उससे पिछले मुकाबले 2-1 से लॉस भी किया, और अगेन फिर इस टीम ने एक ही मैच 2-0 से विन किया, वो भी ब्राइटन के सामने, और जो कि ब्राइटन अब फिलहाल इंग्लिश चैंपियन है सेकंड डिवीजन की टीम में चली गई, इस साल ये रेलीगेट हो गई। तो यहाँ से जो परफॉर्मेंस अर्सेनल का कि प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती, बल्कि डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती, लेकिन अर्सेनल जब चेल्सिया के सामने खेलती है तो अटैकिंग वाइज गोल करती भी है और डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइस परफॉर्मेंस इस टीम का फिलहाल के टाइम पर काफ़ी डाउन है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। लेकिन गाइस बात करते हैं जो चेल्सिया का जो परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर उसके बारे में। तो गाइस चेल्सिया ने रिसेंटली 6 मैच खेले, जिनमें से 5 मैच विन, 1 मैच ड्रॉ, और अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया, बल्कि अटैकिंग वाइज 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस चेल्सिया फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 1 या 2 गोल या कभी कभी तो 3 गोल पर मैच भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम
के सामने प्रत्येक दो मैच में एक ही गोल कंसीड करती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच चेल्सी क्रिस्टल पैलेस के सामने 3-0 से विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज उससे भी बेहतरीन, मतलब गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन उससे फिर मुकाबला विल्लारियल के सामने ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेल कर आई। बाकी बाद में इस टीम को पेनल्टी में गोल को मिला और पेनल्टी में ये टीम 6-5 से विन कर गई, लेकिन उससे फिर मुकाबला चेल्सी और टोटनहम के बीच मैच और उस मैच को यहां से 2-2 का ड्रॉ देखने को मिला। मतलब दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज गोल भी हुए, लेकिन डिफेंसिव वाइज दोनों टीमों की तरफ से गोल कंसीड भी किए गए। लेकिन उससे पिछले दो मैच यहां से आप देख सकते हो, बाकी सारे मैच आप देख सकते हो, यहां से चेल्सी ने 1-0 2-1 2-1 से मैच को विन किया। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में इस टीम का दो गोल स्कोर करने का, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है, वो भी एक बेहतर टीम के सामने, हल्की टीम के सामने। तो फिर ये टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती, लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म देखा जाए तो आर्सेनल का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज गोल नहीं करता बल्कि डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड कर देता, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से ना 2-0 या 3-0 मैच स्कोरलाइन देखने को मिल सकता है। तो गाइज अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन आकर निकल कर क्या आना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैच देखे और फिर इन दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म देखी। तो गाइज इन दोनों चीजों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन आकर निकल कर क्या आता है। तो गाइज हेड टू हेड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आर्सेनल एक क्लियर कट फेवरेट टीम है, लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो चेल्सी का परफॉर्मेंस और आर्सेनल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो फार बेटर बेस्ट टीम यहां से आपको चेल्सी ही देखने को मिलेगी। तो गाइज इन दोनों टीमों को जब भी आपस में खेलते हैं हेड टू हेड में एक चीज तो क्लियर है कि अटैकिंग वाइज दोनों टीमों तरफ से गोल होते हैं, लेकिन डिफेंसिव वाइज भी दोनों टीमों की तरफ से गोल कंसीड किए जाते हैं। लेकिन रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग ये है कि आर्सेनल प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती बल्कि डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है, लेकिन जो चेल्सी का परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में फिलहाल के टाइम अटैकिंग वाइज दो गोल करती है और डिफेंसिव वाइज तो जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने पर मैच में एक गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, आर्सेनल अपना होम ग्राउंड में खेलेगी तो होम ग्राउंड का थोड़ा सा एडवांटेज तो रहेगा इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करने का, तो इसलिए यहां से 1 गोल आर्सेनल और 2 गोल यहां से चेल्सी को देखने को मिल सकता है। और इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन हमने अपना 1-2 का रखा और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। लेकिन याद रहे ये प्रेडिक्शन ये है कि दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज गोल होंगे भी और डिफेंसिव वाइज दोनों टीमों की तरफ से गोल कंसीड भी किए जाएंगे, तो ये फिलहाल की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन है। अब गाइस बात करते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आर्सेनल के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे चेल्सी के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालेंगे आर्सेनल के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, और याद रहे लिंक के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे ना तो बहुत सारे फैन चैनल बन चुके हैं हमारे चैनल के नाम से और सर्च करने पर वो सबसे ऊपर आते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको इस वीडियो को सबसे ऊपर वाला कॉमेंट है उसमें हमने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से किसी एक से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे नजर डालते हैं आर्सेनल के प्लेयर्स के। तो गाइज आर्सेनल की टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर थे यहां से अलेक्जेंडर लाकाजेट है, जिसने इस टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन 13 गोल किए थे और 3 गोल इस टीम तरफ से पेनल्टी में किए। तो यहां से अगर ये स्टार्ट करेगा तो उस कंडीशन में फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी रहेगा और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी रहेगा, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट जब ये टीम खेलती है तो अटैकिंग वाइज गोल करती भी है और डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड भी कर देती है और 90% चांस रहते हैं इसी टीम को विन करने का। तो इसलिए यहाँ से इस जो अटैकर हैं उनको हम अपनी टीम में पिक करके चलेंगे। तो गाइस बात करते हैं इस टीम की तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट मतलब सेकेंड हाईएस्ट गोल टेकर, यहां से आपको ओबामेयंग देखने को मिलेंगे। प्रीवियस सीजन इसने 10 गोल किए थे लेकिन प्लेयर काफ़ी बेहतरीन है और प्रीवियस सीजन इसका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी डाउन था, लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अप है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। निकोलस पेपे जो इस टीम की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बिना गोल के आपके लिए कम से कम 15 पॉइंट देने की क्षमता रखता है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बुकायो शाका जो कि 5 गोल कर चुका है प्रीवियस सीजन, अगर खेलेगा तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपको मैंने अभी टिक किया हुआ, उन्हें पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। तो गाइज इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट विलियन, जिसने प्रीवियस सीजन में 1 गोल और 5 असिस्ट किए, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, लेकिन अगर आपकी चॉइस रहे तो इसे पिक कर लेना, लेकिन मैं प्लेयर की पोजीशन आएगी तब लाइनअप का
आने के बाद ही इसको अपनी टीम में जगह देने की कोशिश करूंगा। अगर इसकी जगह आउट ऑफ गोल रही तो इसको मैं अपनी टीम में भी पिक करके नहीं चलूंगा। तो इसलिए आपकी चॉइस रहेगी यहाँ से एमिल स्मिथ रो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ये आपको मैन सेंटर फॉरवर्ड के रूप में देखने को मिलेगा, मतलब ये आपको ना लाइनअप में इस तरह में ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा तब अगर यहाँ पर ये खेले उस कंडीशन, वरना इसका इतना चांस रहता नहीं गोल असिस्ट का, लेकिन डिफेंसिव पॉइंट देता और कम से कम बिना गोल के ये 15 पॉइंट आपके लिए फिर भी दे जाएगा। और यहाँ से ओबामेयंग एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, थर्ड हाईएस्ट असिस्ट टेकर, सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और बुकायो साको और बाकी के जो जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं ओबामेयंग आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा, लैकाज़ेट एक इंपॉर्टेंट है, खाका एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट देने की क्षमता रखता और कभी मतलब आप मान सकते कभी कभार ये असिस्ट भी कर देता, लेकिन चांस ये आप मान सकते हो इसका 80% न करने का रहते हैं, तो 20% चांस में अगर आप इस पर रिस्क ले सकते हो तो इसको पिक कर लेना। अगर आपको लगे कि हाँ भाई आज चेल्सी इस मैच को 1-0 2-0 साथ मैच को विद क्लीन चिट के साथ मैच को विन करेगी, तो उस कंडीशन में खाका एक सबसे इंपॉर्टेंट इन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। तो बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम जो उसके प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर कितने गोल कितने असिस्ट, तो एक बार नजर डालते हैं चेल्सी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस चेल्सी टीम की तरफ से जो प्रीवियस सीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर थे जॉर्जिन्हा, जिसने इस टीम की तरफ से 7 गोल किए, लेकिन 7 के 7 गोल इस टीम की तरफ से पेनल्टी में किए, तो ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर भी है और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी है। और याद रहे ये आपको ना कम से कम बिना गोल के 20 पॉइंट देने की क्षमता रखता है, तो उस कंडीशन में ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, चाहे कैसे भी पिक करो इसको पिक करके चलना। वहीं पर बात करो मेसन माउंट, प्रीवियस सीजन इस टीम तरफ सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, 6 गोल किए, लेकिन गैर मौजूदगी में इसने 1 गोल पेनल्टी में किया। किसकी गैर मौजूदगी में? यहाँ से जॉर्जिन्हो की गैर मौजूदगी में, तो उस कंडीशन में बैकअप में पेनल टेकर माउंट भी हो सकता है। और टीम वॉर्नर जो कि मतलब प्रीवियस सीजन इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपने अगर देखा हो यूएफए चैंपियनशिप लीग में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। वहीं पर बात करें टैमी अब्राहम, खेलने का काफी कम चांस है, पिछले मैच में इंजर्ड था तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए तो यहां से जुमा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, हाईएस्ट मतलब आप मान सकते हो कि इसका जो गोल आएगा ना वो हाई चांस रहेगा, हेडर में ही आ गया, तो उस कंडीशन में आप इसे ना एक लो स्कोरिंग मैच में जुमा को कैप्टन भी कर सकते हो डिफेंडर की ओर से। और बाकी यहां से ओलिवियर जीरोड जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, मुझे इस सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर फिलहाल के टाइम पर अगर किसी का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ओलिवियर मतलब जीरोड एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, तो इसे आप अपनी टीम में जरूर पिक करके चलना। पुलसिक प्रीवियस मैच में गोल करके आ रहा है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, लेकिन रिसेंटली इसने 1 गोल किया, लेकिन उससे पिछला जो भी इसका परफॉर्मेंस था वो काफी डाउन था, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट मैं मानकर नहीं चल रहा। हावर्ड्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इसका परफॉर्मेंस काफी डाउन मतलब काफी बेहतरीन है। और बाकी का सभी का आप सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं मैं उन सबको टिक कर रहा हूं, उन्हें आप अपने ड्रीम इलेवन टीम में पिक करने की पूरी तरह कोशिश जरूर करना। अगर ये आपको लाइनअप में देखने को मिले तो इन्हें आप टीम में जरूर से जरूर ट्राई करके चल लेना। अब बात करते हैं असिस्ट मामले, टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आए तो एक बार नजर डाल। हां तो गाइस इस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट टीम है वर्नर, जिसने प्रीवियस सीजन 6 गोल और 8 असिस्ट, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं इसको मान के चलता हूँ और मैं हमेशा इसने टीम में कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन जरूर बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसी की वजह से एवरी टाइम विन करता हूँ और जनता इसको ना कैप्टन वाइस कैप्टन क्या टीम में नहीं लाती। तो ये एक मैन कि क्यों मैं कैप्टन बनाता हूँ, क्योंकि ये इस टीम तरफ से ना सबसे मैन डिफेंड मतलब सेंटर फॉरवर्ड है, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है। अब गोल नहीं आई वो बात अलग, लेकिन चांस मतलब बोलते हैं कि 99% टीम ओवरने का चांस रहते हैं गोल करने के। बाकी के यहाँ से मेसन माउंट इससे मतलब बेहतर परफॉर्मेंस किया था, लेकिन फिलहाल के टाइम पर काफ़ी अच्छा है, डिफेंसिव पॉइंट भी देता, और बेन चिलवेल जो कि ये असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है, तो इसके इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। काई हावर्ट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 गोल 3 असिस्ट, बाकी का आप समझ सभी का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको भी के लिए टिक किया हुआ पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने 1-2 रखा, मतलब दोनों टीमों की तरफ से गोल होना एक्सपेक्टेड है, तो 1-2 का अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइज फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन हमने यहाँ से टीम है वर्नर को रखा। अब कैप्टन कहाँ से मिल गया? अरे भैया ये फिलहाल टाइम पर इसको न्यू साइनिंग किया गया, अगर ये खेलेगा तो उस कंडीशन में ये कैप्टन रहने वाला, लेकिन याद रहे ये स्टार्ट करेगा अभी खेलना मतलब इस टीम के लिए, तो पहला मैच में जरूर नहीं इसका गोल भी आई, तो आप इसे हल्का से रिस्क लेके भी नहीं आप ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन प्लेयर काफ़ी
तगड़ा है, भारी है, मतलब बोलते हैं ना क्या फिर अच्छा है, तो उस कंडीशन में इसको कैप्टन के लायक ही है, तो इसलिए मैंने कैप्टन दिया, वाइस कैप्टन वर्नर को रखा और यहाँ से मेसन माउंट को पिक करके चले हैं। और बाकी जिनका सिलेक्शन हाई है उनको आप पिक कर सकते हो, लेकिन आफ्टर लाइनअप इस टीम में जरूर चेंजिंग होगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से गोल करने की, तो उस कंडीशन में मैं अपने यहाँ आपको तीन डिफेंडर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फिलहाल टाइम पर चार देखने को मिले, लेकिन आफ्टर लाइनअप की प्लेयर की जो पोजिशन रहे उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम करेंगे। फिलहाल के लिए एक डेमो टीम है, इस टीम से रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। आपको इस वीडियो का लिंक, मतलब इस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, वीडियो कंप्लीट देख